जी हाँ, वैसे फिर से मैं वही डायलॉग बोलूंगा, नहीं वो डायलॉग नहीं बोलते। चलो इस बार जय भोलेनाथ करते हैं, महाकाल की कृपा से हम अपने वीडियो को एक एक दिन करके ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। और जिन लोगों ने आज का मेरा टाइटल ध्यान से पढ़ा होगा उनको पता चल गया होगा कि हम किस चीज के बारे में तल्लीनता से बात करने वाले हैं। और पूरा मोहल्ला इस समय जुट चुका है कि हम तुमको वीडियो नहीं बनाने देंगे, निकल लो, वहां भी शुरू हो गए, यहां भी शुरू हो गए, वहां भी शुरू हो गए, सब जगह शुरू हो गए। रुकावट के लिए खेत माफी। मैं हूं आपके बंदा घूम के तू, मेरा नाम है सुशांक यो बॉय नेक्स्ट डोर। और टाइटल डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं हॉस्टल डेज 2। जी, 1 के टाइम पे हम यूट्यूबर नहीं थे, हम एक नॉर्मल अभ्यर्थी थे जो कॉलेज में पढ़ रहे थे। नहीं, हम कॉलेज में नहीं पढ़ रहे थे, हम तब काम ही कर रहे थे। हाँ, तो ये जो सीरीज है इट्स अडल्ट कॉमेडी सीरीज। जी हाँ, गाली गलौज भरपूर है और कसम से कतई अडल्ट बातें हैं, बीच बीच में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, कॉलेज और उसकी पुरानी यादें। अगर पूरे तरीके से मैं हॉस्टल डेज 2 के बारे में बात करूं, इट्स अ मिनी अडल्ट कॉमेडी सीरीज विच इज क्वाइट ओके एंड नॉर्मल फॉर एवरीवन जो हॉस्टल में कभी ना कभी रहा है या फिर अपने दोस्तों के साथ बैचलर रहा है। अगर आप कॉलेज के टाइम में थे तो आपने जरूर सी बात है कि ऐसी हरकतें जरूर की होगी। हॉस्टल डेज 1 में जहां पे हर किरदार को अच्छे से एस्टैब्लिश किया था, उसे एक परिवेश दिया था, एक बैकिंग दी थी, यहां पे आप उसका अपोजिट देखते हुए पाए जाएंगे। आपको हर कैरेक्टर अपने आप में एस्टैब्लिश दिखेगा, उसका एक रोल है, उसका एक कायदा है, उसका एक कानून है, वो उसी को फॉलो कर रहा है। और आप ये चीज देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे, बल्कि आप खूबसूरती से खिलखिला के हंसेंगे और कहेंगे ऐसा आप भी करते थे। अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं तो Amazon Prime पे इस सीरीज को बनाने के लिए जिम्मेदार TVF वाले हैं। जी हाँ, इसके डायरेक्टर या फिर क्रिएटर का अगर मैं नाम लूं तो दैट इज सौरभ खन्ना। सौरभ खन्ना को आपने बहुत सारी चीजों में देखा होगा, आपने कोटा फैक्ट्री में भी देखा होगा, कोटा फैक्ट्री में तो उन्होंने छोटा सा रोल भी किया था, एक टीचर बने हुए थे। तो ये राइटर भी है, क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। TVF में जो लोग होते हैं ना, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई आर्किटेक्ट है, मगर बना आज की डेट में सब वेब सीरीज रहे। तो TVF वाले जिस तरह से असल जिंदगी को कैमरे पे दर्शाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, आपको इसमें कुछ भी बनावटी नहीं लगता है। हॉस्टल डेज में हर एक बच्चा हॉस्टल के बच्चे जैसा लग रहा है, भले वो बच्चा हो या ना हो। अगर मैं एक्टर्स की कैरेक्टर्स की बात करना चाहूं तो आदर्श गौरव जिन्होंने अंकित पांडे का रोल किया हुआ है, वो पहले सीजन में ऐसे लग रहे थे कि अपना नाम बनाना चाहते हैं, हॉस्टल में क्या है वो ये बताना चाहते हैं, पर जैसे ही आप उन्हें सेकेंड सीजन में देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अंकित पांडे ऑलरेडी अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। सेकेंड ईयर के सीनियर जैसी हरकतें उनकी एक्टिंग से आपको समझ में आने लगती है। सेकेंड कैरेक्टर यानी कि निखिल विजय का कैरेक्टर जिनका नाम झाटू रखा गया है शो में, वो वैसे के वैसे ही हैं और उनकी हरकतों में कहीं भी कोई भी चेंजेस नहीं आया है। बस एक जगह आपको एक ड्रास्टिक डिफरेंस दिखेगा जिसमें वो बंदा अपनी फैमिली को या अकेलेपन को मिस कर रहा है। आखिरी के कुछ एपिसोड्स में आपको उनका एक अलग तरीके का रूप और एक अलग तरीके का एहसास उनकी बातों से आपको होगा कि हर वो इंसान जो हमेशा हंसते रहता है या फिर खिलखिलाते रहता है या लोगों के साथ हंसी मजाक टिटोली जोक करते रहता है, वो अंदर से ही उतना खुश हो ये जरूरी नहीं। झाटू ने हम सबको अपने उस पार्ट की याद दिला दी है जहां पे हम सबके सामने तो बहुत हंसते खिलखिलाते रहते थे, पर जैसे हम अकेले हो जाते थे हम अपने आप के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने जीवन के बारे में सोच के कभी कभी डिप्रेस भी हो जाते थे। आगे बढ़ते हुए अगर मैं जाट की बात करूं जिनका रोल हमारे शुभम गौरव जी ने किया है, जिनको आप यूट्यूब पे बहुत देखते होंगे, अरे वो क्या है मेंस एक्सपी का क्या आता है, हाँ वो रिव्यू देते हैं एक दो बंदे के साथ, जैन के साथ, जैन, हाँ जैन नाम है लड़के का, उनके साथ मिलकर आप रिव्यू देखते हैं। मगर
जाट का जो रोल है वो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि दिल्ली के नुक्कड़ पे घूमता हुआ कोई लौंडा है, मुंबई वालों को ऐसा लगेगा कि कोई भी उत्तर भारतीय है, और साउथ इंडिया वालों के लिए तो नॉर्थ इंडियन सिर्फ नॉर्थ इंडियन ही होते हैं, गुजराती यूपी वाला और राजस्थानी वगैरह वगैरह उनको डिफरेंस नहीं पता है, जैसे हमें पता नहीं है कि साउथ इंडिया में मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे लिए सब साउथ इंडियन ही होता है। ओह माय गॉड, मैंने इतनी बड़ी बात कैसे बोली। तो शुभम गौर ने काफी अच्छा रोल किया हुआ है। अगेन इस समय जो फर्स्ट ईयर में लौंडे थे वो अपने आप को एस्टैब्लिश करने में लगे हुए थे, इस समय आप हर बंदे के कैरेक्टर में, एक्टिंग में आप ये देखेंगे कि वो अब अपने आप को एस्टैब्लिश करने में नहीं लगे हुए हैं, अब उनके दिमाग में लड़कीबाजी सूझ रही है, अब उनके दिमाग में ये सूझ रहा है कि घर जाना पड़ेगा, टाइम हो गया है, अब उनके दिमाग में ये सूझ रहा है कि हमें तो आदत हो गई है गंदे रहने की, हॉस्टल में रहने की, बेड पे कबाड़ फैला के रख देने की। उन सारी चीजों में शुभम गौर ने अपने आप को जाट के रोल में जाट जैसा ही दिखाया है। एक भी दफा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं भैया ये तो हरियाणवी नहीं हो सकता, ये जाट नहीं हो सकता, तो गुजर नहीं हो सकता, रा भाई क्या बोल रहा है, तो ये नहीं हो सकता, आपको ऐसा नहीं लगेगा। वो देख के पूरी तरह से आपको अपने आप में कन्विंस कर लेंगे और ये बताएंगे कि भैया मैं जो रोल कर रहा हूं आई ओन इट। आगे बढ़ते हुए इस पूरी चीज में अगर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के बारे में आप लोगों को बताऊं, उनका नाम है लव विस्पूते। लव, मैंने आपका नाम का कहीं तो कुछ कांड नहीं किया है, विस्पूते ही नाम होगा ना आपका, VISPUTE, विस्पूते ही कहेंगे नहीं तो, अगर गलत होगा कमेंट में हमको कोई सही कर देना। चिराग बंसल का रोल इन्होंने किया हुआ है, अच्छा सीख और सिखा के गए हैं हमें, हमेशा किसी को एक्स्ट्रा प्यार करना या एक्स्ट्रा उसके लिए केयर करना अच्छा नहीं होता, ये चिराग ने अपने रोल में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, और चिराग अपने उस कैरेक्टर को पूरी तरह से पकड़ के चले हुए हैं जो कि एक स्टूडियस बंदा है जो कि खूब पढ़ाई लिखाई करता है, और उसके बाद जब उसे मौका मिलता है तो थोड़ी गंदी गालियां भी सीख लेता है, थोड़ा बहुत अडल्ट जोक मारना भी सीख लेता है, और वो हमेशा वो बच्चा नहीं रहता जो फर्स्ट ईयर में था। अगर फीमेल लीड या फीमेल कैरेक्टर की मैं बात करूं तो दो लड़कियां हैं जिनके ऊपर पूरे टाइम आपका फोकस रहता है, आयुषी गुप्ता जिन्होंने नबोबिता का रोल किया हुआ है, और एहसास चन्ना जिन्होंने आकांक्षा का रोल किया हुआ है। इन दोनों ने काफी सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़े हैं, जी हाँ, एहसास ने तो काफी ज्यादा स्टीरियोटाइप तोड़े हैं। एक स्टीरियोटाइप के बारे में मैं बिल्कुल बात करना चाहूंगा जिसमें एहसास ये बताती है, अरे पसीना भैया, एहसास तुम हॉट होगी, इट्स ओके, मगर हमको पसीना गर्मी की वजह से आ रहा है। अगर मैं एहसास की बात करूं तो एहसास ने जिस स्टीरियोटाइप को तोड़ा है वो स्टीरियोटाइप कुछ ऐसा है कि लड़कियां हमेशा साफ और सफाई करने के लिए नहीं बनी होती हैं, वो भी गंदी रह सकती है, उनका कमरा भी अस्त और व्यस्त रह सकता है। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद हॉस्टल डेज ने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया था, मगर हॉस्टल डेज 2 ने मुझे और भी ज्यादा प्रभावित किया है। ये जब खत्म होने वाला होता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये क्यों खत्म हो गया, सिर्फ 4 एपिसोड क्यों थे, और होने चाहिए इसमें, और बातें होनी चाहिए, और चीजों पे और एस्पेक्ट्स पे लाइफ के बात होनी चाहिए। हॉस्टल में बहुत अनगिनत लोगों के वादे होते हैं, कस्में होती हैं, बातें होती हैं, कहानियां होती हैं, उन कहानियों को क्यों नहीं दिखाया। तो टीवी में से अगर मुझे कोई भी देख रहा है, मैं यही कहूंगा कि एक दफा मैंने आप लोगों के चैनल में आने की कोशिश की थी, आई गेव ऑडिशन फॉर TBF राइटर्स क्लब, मैं 2 राउंड तक सेलेक्ट भी हुआ था। आज मैं खुश हूं कि मैं सेलेक्ट नहीं हूं, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हो ना यार, वो काम मैं शायद नहीं कर पाता, तो जो डिजर्विंग लोग हैं वहां पे वो बहुत ही अच्छा उम्दा काम कर रहे हैं। हॉस्टल डेज 2 को देखने के बाद एक अलग से सुकून और शांति का एहसास होता है जो आपको सिर्फ देखने के बाद ही पता चलेगा। अगर किसी के पास Amazon प्राइम नहीं है ना, तो एयरटेल वोडाफोन ऐसा बांटते रहता है फ्री में साल भर का, कनेक्शन वालों में जाके जरा ले लेना, ठीक है। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो कृपया करके प्लीज इसे लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और आपके हॉस्टल की कौन सी कहानी है जो आप आज भी याद करके हंसते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरा लिख दीजिएगा, पढ़ दीजिएगा, ठीक है। मैं हूं आपका बंदा घूम के दू, मेरा नाम है शशांक, योर बॉय नेक्स्ट डोर। हॉस्टल में कभी रहा नहीं, मगर बैचलर रहते रहते ना आदत अकेलेपन की पड़ चुकी है, और आप अगर इस दुनिया में अकेला महसूस कर रहे हैं तो एक काम करिएगा, कभी घर वालों को फोन कर लीजिएगा लगा के, नहीं तो किसी ऐसे दोस्त को जिसको आप भूल गए ना
या उसके साथ आपने कुछ गलत सही किया था, उसको फोन लगा के बस सॉरी बोल दीजिए, दिल हल्का और दिमाग खुश हो जाएगा। ठीक है, मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में। मेरा नाम है सुशांक, योर बॉय नेक्स्ट डोर, घूम के तू चैनल का नाम है। इन द मीनवाइल एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ, हास्ता ला वीस्ता, बाय बाय। कभी कभी समझ नहीं आता कि जब लोगों को ऐसा पता चल जाता है शशांक वीडियो शूट कर रहा है, तुरंत कुछ लेके घर के काम करना शुरू कर दो। कभी कभी तो ऐसा फील आता है मेरे को जबरदस्ती कुछ नहीं तो लोग सिलेंडर पकड़ के इधर उधर रखो।